आप लोगों ने 14 में पूर्ण बहुमत दिया या नहीं दिया, 19 में दिया या नहीं दिया, ये सालों से अखिलेश और मायावती जी हमें ताना लगाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे, लगाते थे ना, लगाते थे ना। आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्म भूमि का भूमि पूजन कर इसको समाप्त। देखते देखते कुछ ही महीनों में वहां आकाश से भी ऊंचा गगनचुंबी रामलला का मंदिर दिखाई पड़ने वाला है मित्रों, मंदिर। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? किस पार्टी ने चलाई थी? बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? किसने गिराई थी? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा? उनको पसंद आएगा? वो तो राज एक कर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्र, कोई नहीं। आप मुझे बताइए, औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का मंदिर बंजर टाइप का बनाकर रख दिया था, बनाया जाए नहीं बनाया जा, बनाया जाएगा या नहीं बनाया जा? कोई इसका जीर्णोद्धार करता था? करता था? मोदी जी आए, अब जाकर बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखिए, बाबा का दरबार सजा धजा है, सजा धजा है। मेरे साथ जोर से बोले, नमः पार्वती पते हर हर। मित्रों, अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है? दो कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, बोली। मुझे बताइए, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलिए, अच्छा किया या बुरा किया? ये अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं। क्यों अखिलेश बाबू, तलाक से आपका क्या लेन देन है? मित्रों, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे नेता ने।